स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी जोन में। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, कोई टॉपिक नहीं है आज मेरे पास। हाँ, क्योंकि आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ लैपटॉप की। ये वही लैपटॉप है जो मैंने लिया है वीडियो एडिटिंग करने के लिए, कोडिंग वगैरह मेरा थोड़ा बहुत काम होता है उसके लिए, है ना। इसी की वजह से यार थोड़ी सी वीडियो जो अभी लेट आ रही थी ना, वो इसी की वजह से मैं इसी में लगा हुआ था थोड़ा लैपटॉप ढूंढने में। एक सबसे अच्छा लैपटॉप इस बजट रेंज में मैंने निकाल लिया अपने लिए, ठीक है। तो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं अपने भाइयों को भी क्या है, है ना। चलिए, तो सबसे पहले ये यहाँ पे एक सील आती है, इसे ब्रोक करो, फिर अंदर देखते हैं लैपटॉप के, है ना। तो अंदर से जब हम खोलते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा। तो ये हमारा लैपटॉप है जेड सिक्योरिटी के साथ, पूरी देखो बिल्कुल सिक्योर कर रखा है, मतलब कहीं से कुछ नहीं होना चाहिए ना भाई। तो निकालते हैं इन तत्वों को, एक दो और तीन। डोरा दी एक्सप्लोरा वाली फील आ रही है ना, एक एक गिन रहा था। चलिए, इन सबको बेकेंगे, कचरी खाएंगे। तो हटा देते हैं इन्हें, और ये लैपटॉप है हमारा। इसके साथ ये मैनुअल है इसका, ये इंटरनेशनल वारंटी, और चार्जर है। बाकी बॉक्स में तो और कुछ नहीं है, बॉक्स को उसके घर भेजते हैं। चलिए बॉक्स भाई, बाद में मिलते हैं आपसे। ये चार्जर है, फास्ट चार्जर है, ठीक है। बाकी लैपटॉप की खोलते हैं, तो जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई, घड़ी नहीं लैपटॉप आया है। तो यही है, देखते हैं इसे। काफ़ी लाइट वेट है यार, मतलब एक हाथ से भी बंदा आराम से उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलो को कुछ ग्राम वजन है इसमें, ठीक है। और ये देखो, ये कुछ भाषाएं, विविध विविध प्रकार की भाषाएं हैं, लगभग 5 से 10 भाषाएं में लिखा हुआ है, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच वगैरह। पता नहीं यार, मुझे तो इंग्लिश ही आती है, बस एक वो ही पढ़ सकता था और वो भी मैं पढ़ने वाला नहीं, ठीक है ना यार। इसका ना बूटिंग टाइम बहुत फास्ट है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए आप, वीडियो बिल्कुल अनकट है, और देखिए चालू होने में कितनी देर लगाता है। एसर आया, एसर के बाद बस लैपटॉप चालू हो गया, मतलब कुछ सेकंड्स में ही आपका लैपटॉप चालू हो जाता है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, स्पीड काफ़ी अच्छी दे रहा है मतलब, ठीक है भाई। अब चलिए बढ़ते हैं इसके कैमरे की तरफ, देखते हैं कैमरा कैसा है। लैपटॉप के हिसाब से एक डिसेंट कैमरा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा भी अच्छा, आपको पता है लैपटॉप के कैमरे कैसे होते हैं। तो हम देखते हैं यार, कैमरा ये रहा, ऊपर ही था ये रहा। तो ये कुछ इस तरीके से कैमरा है इसका, देख पा रहे होंगे आप लोग, कुछ ऐसा कैमरा है इसका, मतलब ठीक है यार। अब इसी पे वीडियो वगैरह चलाया करेंगे, जब हम YouTube पे लाइव आया करेंगे तो इसी पे थोड़ा बहुत करा करेंगे ना। आप लोग लाइव आने के लिए यार सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे, सब्सक्राइब करोगे तो लाइव भी आएंगे कभी YouTube पे ना। 1000 सब्सक्राइबर पे तुम्हारा भाई लाइव आएगा, आज फाइनल है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ, अभी तो पहले 100 ही कराओ यार, ठीक है। तो देखते हैं कैमरा आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो कैमरा काफ़ी सही समझ आ रहा है ना, ठीक है। कैमरे में यही था, स्पीड काफ़ी अच्छी है। बाकी मैंने इसे अभी अपने तरीके से इसमें और सब ऐप नहीं डाले जो मतलब मुझे चाहिए होते हैं वीडियो एडिट वगैरह करने के लिए। एक इसमें इनबिल्ट ऐप है वीडियो एडिट के लिए, ये रहा, वीडियो एडिटर करके इसमें एक ऐप है, ये वाला। अभी ट्राई मारेंगे इस पर भी एडिट करने का, बाकी सारी आपकी एडिटिंग इसी लैपटॉप पर हुआ करेगी, ठीक है। ठीक है भाई, तो बाकी इसकी देखो लुक्स बहुत प्रीमियम लगते हैं भाई, लुक्स बहुत मस्त लगते हैं मुझे, मतलब देखने में एक बार में। पोर्ट्स भी काफ़ी दे रखे हैं, जिस हिसाब से लैपटॉप बनाया है उस हिसाब से पोर्ट्स भी अच्छे खासे दे रखे हैं आप लोग देखेंगे तो। फैन वगैरह, स्पीकर्स वगैरह, ठीक है ना। स्पीकर्स के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, तो हम बढ़ते हैं स्पीकर्स की तरफ इसके, है ना यार। मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो सब हो जाता है ना, तो वीडियो आपको ऑडियो सुनाता हूँ कि इसके स्पीकर्स ऑडियो कैसी दे रहे हैं। तो जरा चलते हैं,
ऑडियो की तरफ। हाँ तो ये इसकी फुल ऑडियो, ये सही कैमरे है, मतलब लैपटॉप के हिसाब से देखा जाए तो इतनी ऑडियो काफी होती है ना। हाँ तो आप लोग समझ पा रहे होंगे ऐसी कुछ ऑडियो है इसकी। ठीक है भाई, ठीक है। तो लैपटॉप के बारे में तो यही था, बाकी लाइट वेट है काफ़ी, मतलब एक हाथ से उठा के आप लोग काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 14 इंचेस वाला मॉडल है इसका, 15 इंचेस मॉडल भी अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर ना, और बाकी लुक एकदम प्रीमियम लगता है लैपटॉप का। किसी भी एंगल से देखो, पोर्ट्स वगैरह भी सारे दे रखे हैं लगभग। तो मेरे हिसाब से जिस रेंज में मुझे पड़ा है ये जो मेरे काम थे, एक इससे अच्छा लैपटॉप मेरे हिसाब से कोई नहीं था इस रेंज के अंदर ना। एसर ने एक अच्छा खासा लैपटॉप दिया, क्योंकि अब ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया है तो कुछ एसेसरीज मिलनी तो वाजिब थी। तो एसेसरीज देख लेते हैं क्या मिलती है, वही नॉर्मल एसेसरीज हैं। एक तो ये है, ये साफ करने का है, बाकी अभी कोरोना काल है, सैनिटाइज वगैरह भी हो सकता है शायद इससे आधा, पता नहीं यार, कोई करने मत लगे जाना। तो बाकी ऐसा है कि ये है इसके साथ, और एक लैपटॉप की अब बैग दे रखा है एसर ने, एसर की ब्रांडिंग के साथ है, एसर लिखा हुआ है इस पर। और क्वालिटी लैपटॉप के बैग की तो अच्छी है, मैं क्वालिटी से सेटिस्फाई हूँ, क्वालिटी अच्छी है। देखो ये साउंड बहुत मस्त लगता है भाई मुझे। तो ठीक है, अब यही थी हमारी अनबॉक्सिंग, आगे के जो वीडियो आएंगे वो इसी पे भाई पे आया करेंगे, यही आपका काम करेगा हमारा वीडियो एडिट करने का, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना भाई, मेरी पहली अनबॉक्सिंग थी ये, इससे पहले मैंने कभी कोई अनबॉक्सिंग नहीं करी, ठीक है ना भाई। तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।